डोज कॉइन जो कि एक मीम कॉइन है, जिसकी शुरुआत ही केवल एक मजाक के तौर पे हुई थी बिटकॉइन का मजाक बनाने के लिए, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। पर मजाक बनाने के चक्कर में ये डॉज कॉइन एक ऐसी कम्युनिटी बन गई, धीरे धीरे करके इंटरनेट में इतना वायरल होने लगा, जो शिबा इनू डॉग है वो इतना वायरल होने लगा कि काफी सारे लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ते शुरू हो गए, और एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जो ट्विटर के ऊपर भी काफी स्ट्रोंग हो गई, और जो टॉप 10 आज क्रिप्टो करेंसी में जिसका नाम है वो है डॉज कॉइन। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जो इंडियन लोग हैं, खासकर इंडियन लोग, वो ऐसे रेट पे फंसे हैं 40 और 50 के रेट पे डोज कॉइन में। जब एलन मस्क ने ट्वीट करा था कि वो टेस्ला कंपनी में बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं, और बिटकॉइन उस समय $65,000 तक जा चुका था, काफी ऐसे इंडियन लोग थे उस समय फंस गए थे, जो आज 40 और 45 से होल्ड करते आ रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में क्या डोज कॉइन फिर से वो रैली पकड़ सकता है और $1 हो सकता है या नहीं, क्या इसके चांसेस है, कितनी इसकी टोकन सप्लाई है, कितने इसकी मार्केट कैप है, सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी चैनल पे नया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों ये नया चैनल है और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और आप जितना मैं सीख रहा हूँ उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। साथ ही मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जरूर जाके चैनल को ज्वाइन करें। तो डोज कॉइन का जो पास्ट है वो इस तरह से है कि डोज कॉइन के जो फाउंडर हैं उन्होंने डोज कॉइन के जितने भी उनके पास सप्लाई थे, टोकन थे, उनको उन्होंने एक होंडा कार खरीदने के लिए बेच दिया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एलन मस्क ने ट्वीट करा था टेस्ला के ऊपर, जब $65,000 आपका बिटकॉइन चला गया था, उस समय डोज कॉइन की जो मार्केट कैप थी, जब टू द मून हो रहा था, उस समय मार्केट कैप होंडा कंपनी से भी ज्यादा थी। डेट शॉकिंग दोस्तों, इसी समय पे ज्यादा इंडियन लोग फंसे हैं 40 से 50 के रेट के बीच में। जब SNL की बात आई थी तो काफी लोगों ने उस समय बाइंग शुरू कर दी थी और फंस गए थे। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इससे निकलना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी टोकन सप्लाई की। तो टोकन सप्लाई इसकी अनलिमिटेड है, यानी कि इथेरियम की तरह। इथेरियम की भी जो टोकन सप्लाई है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि कितने टोकन सप्लाई है, तो उसको अनलिमिटेड सप्लाई बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से डोज कॉइन की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। डोज कॉइन की सबसे अच्छी बात यह है कि डोज कॉइन की जो ट्रांजेक्शन फीस है, यानी कि आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे इसको भेजोगे तो उसकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो मात्र 1 सेंट है, जबकि इथेरियम की 1400 से 1500 रुपए आपका लग जाता था खर्चा, यानी कि $20 के करीब आपका खर्चा आता था। बट डोज कॉइन को यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है विड्रॉल करने की वो मात्र 1 सेंट है, जो इसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिव्यू देती है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलन मस्क ने बिटकॉइन को बंद करा था अपनी कार के लिए कि मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता था और ये इको फ्रेंडली नहीं था। बट हम बात करते हैं डोज कॉइन की, तो डोज कॉइन आप जानते हैं कि एलन मस्क का फेवरेट कॉइन है, और डोज कॉइन की सबसे अच्छी बात यह है कि डोज कॉइन को जब हम ट्रांसफर करते हैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वो 1/8 हिस्से से भी कम है जो बिटकॉइन लेता है। यानी कि अगर मान लेते हैं अगर बिटकॉइन 750 kWh बिजली लेता है, तो डोज कॉइन मात्र 1 kWh बिजली खाता है, जो इसको एक अच्छा बूम दे सकता है, क्योंकि एलन मस्क ने इशारा भी किया था कि वो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे जो इको फ्रेंडली होगी। तो डोज कॉइन के लिए ये पॉजिटिव बात है कि एलन मस्क ने अपने बेटे के लिए डोज कॉइन को होल्ड करके रखा है, और मेरे हिसाब से एलन मस्क जो है वो किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो हाथ धो के पीछे लग जाते हैं। उनका जिंदगी का एक ही रूल है कि उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, तो मेरे हिसाब से डोज कॉइन को वो काफी ऊपर तक ले जा सकते हैं। हालांकि एक मीम कॉइन है, तो आप इसे अच्छे से चेक करें, पूरी तरह से एनालाइज करके ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो डोज कॉइन मात्र केवल 3 पैसे था 2013 के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था, और ये ₹55 का हाई मार के आया है वापसी। तो आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति ने 3 पैसे पे इसको होल्ड किया था, आज उसने ₹55 से प्रॉफिट कैसे गेन किया होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि डोज कॉइन के साथ 2 व्यक्ति का नाम अच्छे से जुड़ा हुआ है, एक है एलन मास्क और दूसरे हैं विटैली बुटरिन, जो कि इथेरियम के को फाउंडर है। विटैली के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डोज कॉइन के साथ उनका कैसे कॉन्टेक्ट है, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि
विटालिक ने 2016 के अंदर 25,000 डॉलर के डोज कॉइन खरीदे थे जिसकी वैल्यू 5 मिलियन डॉलर हो चुकी है। तो दोस्तों विटालिक बुटिन के पास भी इसकी होल्डिंग है, तो आने वाले टाइम में हम क्या देख सकते हैं, एलन मस्क और विटालिक बुटिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। ये एक होप है जो हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है और ये आने वाले टाइम में बैन भी हो सकती है और रेगुलेट भी हो सकती है। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, बस ये आप इसमें अपना वो पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो आपके लिए एक्स्ट्रा है और जिसको खोने के बाद आपको ज्यादा गम नहीं होगा। यानी कि आप अपनी इस सेविंग का मात्र 2 या 5% इसके अंदर डाल सकते हैं एज अ रिस्क। आप अगर वो पैसा आपका जाता भी है तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। आप अपनी हार्ड मनी का बिल्कुल भी सारा पैसा इसके अंदर मत डाल दीजिएगा, गलती से भी मत डाल दीजिएगा। कभी देख के कि बिटकॉइन एक समय पे 2 रुपए था, 10 रुपए था और आज 35 लाख रुपए है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, किसी भी और स्टॉक के अंदर डाल देता हूँ, तो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत कंट्रियों ने इसमें अभी रेगुलेट नहीं हुआ है। यदि आपके पास पैसा है तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना है केवल थोड़ा। अब बात करते हैं डोज कॉइन का जो सेकंड इवेंट है, जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सेकंड इवेंट में क्या होगा कि स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो आने वाले टाइम में लोगों को स्पेस के अंदर ट्रेवल करवाने वाली है, वो डोज कॉइन की डोज वन के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी जो 2022 के क्वार्टर वन में लॉन्च की जाएगी। ये फैलकॉन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यदि ये सक्सेसफुल होता है, जिसमें डोज कॉइन की पूरी तस्वीर होगी जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, यदि ये सक्सेसफुल होता है तो ये डोज कॉइन को टू द मून ले जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डोज कॉइन के अंदर, तो मात्र थोड़े ही पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि है तो ये शिट कॉइन और मीम कॉइन। दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसको और लोगों तक प्रमोट करे, और मेरा नया चैनल है तो सपोर्ट के तौर पे आपको क्या करना है, आपको ये बैल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है।